नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कुंभ लगन व धनु राशि के लिए बकरी गुरु का प्रभाव। देव गुरु बृहस्पति 4 सितंबर को बकरी होने जा रहे हैं और वह 31 दिसंबर 2023 तक बकरी ही रहेंगे। गुरु के बकरी रहने का प्रभाव कुंभ लगन व धनु राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। कुंभ लगन में अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति बनते हैं धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी। वर्तमान में अभी उनका गोचर तीसरे भाव में हो रहा है, जहां से वो आपके भाग्य भाव को और लाभ भाव को देख रहे हैं। जैसे ही वो गुरु बकरी होंगे वो मीन राशि की तरफ जाएंगे, जहां से वो मीन राशि से आपके दशम को भी देखेंगे। यानी बकरी होकर गुरु और भी शुभ हो जाएंगे, फिर अब वो आपके नवम, दशम और एकादश भाव तीनों को प्रभावित करेंगे। धनु राशि में देव गुरु बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश बनते हैं, वर्तमान में पंचम में गोचर कर रहे हैं और उनकी लगन पर भाग्य भाव और लाभ भाव पर दृष्टि है। जैसे ही वो बकरी होंगे वो मीन राशि की तरफ जाएंगे और उनकी दशम पर भी दृष्टि हो जाएगी। इस प्रकार धनु राशि से भी गुरु नवम, दशम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। मेरा यह मानना है कि अगर आप कुंभ लगन व धनु राशि के जातक हैं तो बकरी गुरु का प्रभाव आपको पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला है और कैरियर में आपके आगे बढ़ने का समय है। कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो 4 सितंबर के बाद लें। जैसे आपको जॉब बदलनी है या आप ऑफिस में अपनी जॉब की प्रमोशन का प्रयास कर रहे थे तो उसकी भी संभावना बनती है, लेकिन प्रमोशन के लिए जरूरी है कि आपकी कुंडली में शुक्र की, बुध की या शनि की, शुक्र बुध या शनि की दशा या दशा चल रही हो तो प्रमोशन की संभावना ज्यादा बनेगी। साथ ही साथ आपकी वर्तमान नौकरी में ट्रांसफर की भी संभावना बनती है। सितंबर से दिसंबर के बीच में किसी ना किसी कारणवश आपका स्थान परिवर्तन होगा, चाहे आप जॉब बदलें या आप प्रॉपर्टी पर परचेज करें, क्योंकि धनु राशि से प्रॉपर्टी खरीदने का समय चल रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो भी आपका मकान चेंज होगा, या आप जॉब बदलेंगे तो आपका घर चेंज होगा, और अगर किसी कारण से आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है, तो स्थान परिवर्तन का आपका समय चल रहा है। जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका विवाह तय हो सकता है, गुरु सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और जो संतान प्राण करना चाहते थे वो संतान प्राण कर सकते हैं। इस अवधि में आपको संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की, शुक्र की या बुध की दशा या दशा चल रही है तो आपके धन आने की संभावना बनेगी, पर आपकी कुंडली में गुरु, शुक्र या बुध की दशा या दशा होनी चाहिए तब आपके धन लाभ की संभावना बनेगी। कुंभ लगन के लग्नेश बनते हैं शनि और शनि महाराज चल रहे हैं इस समय बकरी, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लग्नेश के बकरी होने का अर्थ है पुरानी बीमारी का निकल के आना, और अगर आप लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय अच्छा है। बाई चांस आपकी कुंडली में गुरु की, मंगल की या शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। गुरु के बकरी होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे काम की बाधाएं दूर होने लगी और काम की गति बढ़ेगी, क्योंकि कुंभ लगन में जो गुरु तीसरे चल रहे हैं इस समय गोचर में वो इतने शुभ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बकरी हो जाएंगे तो वो दूसरे हो जाएंगे तो वो आपके लिए शुभ इफेक्ट देने लगेंगे। बकरी होते ही कुंभ लगन और धनु राशि दोनों से गुरु आपके लिए शुभ हो जाएंगे जो आपको बढ़िया इफेक्ट देंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपके जो चंद्र लग्नेश गुरु हैं वो भी बकरी चल रहे हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो मेरा यह मानना है अगर आप कुंभ लगन व धनु राशि के जातक हैं तो बकरी गुरु आपके लिए 62% तक बढ़िया जाने वाले हैं, और बाय चांस आपकी कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी हुई, जैसे बुध की या शुक्र की या शनि की दशा या दशा चल रही होगी तो ये परसेंटेज 62 से 65 भी हो सकती है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।